जोहार हजारीबाग, हजारीबाग में दूसरी दुखद घटना हुई है। एक घटना सुबह में गोलटोली में देखा था, एक लड़की जो है ट्रेलर के चपेट में आई थी, उसकी मृत्यु हो गई। और आज ही बरही से आ रहे थे एक जवान महेंद्र पाल जी, सलपरनी के पास इचाक थाना के अंदर जो आता है वहाँ पे ट्रेलर के चपेट में आ गए। बुलेट से वो लोग जा रहे थे, दो लोग जा रहे थे और महेंद्र पाल जी रोड के किनारे फेंकाए, सर में चोट लगा जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं पूरी जानकारी, कहाँ कार्यरत थे, कब से यहाँ पर काम कर रहे थे और कहाँ के थे। सर क्या घटना हुई है बरही से, एक सिपाही की जो है एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, कैसे क्या हुआ, कौन थे उन? हम लोग के एक जवान थे महेंद्र पाल जी, जिनका बरही थाना में प्रतिनियुक्ति था। तो बरही थाना में प्रतिनियुक्ति था, ड्यूटी के दौरान सरकारी काम से ही उनको हजारीबाग भेजा गया, क्योंकि हम लोग का जिले का पुलिस मुख्यालय हजारीबाग ही है, इसलिए किसी काम के लिए थाना के जितने भी कर्मी हैं सारे हजारीबाग आते ही हैं, उसी काम के लिए आ रहे थे। आने के क्रम में रास्ते में ही इचाक थाना के अंतर्गत जो है एक सलपरनी एक जगह है जहाँ पे एक ट्रेलर था, ट्रेलर इन लोग को क्या कहते हैं उसको कि ओवरटेक करने के चक्कर में कहिए या फिर किस हालत में था वो तो हम लोग देखे नहीं हैं अभी तक, लेकिन ट्रेलर इनको मारा है, ये लोग फेंका गए हैं। तो जबकि हमारे यहाँ दोनों जवान जो है इसमें से हेलमेट भी लगाए हुए थे और जो चला रहे थे उनका भी दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण से चोट लगा है, लेकिन इनको अंदरूनी चोट लगने के कारण से इनका डेथ हो गया है। एम्बुलेंस में लाया जा रहा था, लाते लाते रास्ते में ही इनका डेथ हो गया है। ये जो महेंद्र पाल जी थे किस चीज़ में थे, बाइक में, कौन सा बाइक में? बुलेट में थे, बुलेट है रॉयल एनफील्ड का, उसी में थे। बुलेट में दो लोग थे, एक और आदमी ठीक है? एक आदमी ठीक है, उनको भी चोट है यार, टूट फूट हुआ है, हाथ तो टूट ही गया है उनका, हाथ टूट गया है और पैर में भी चोट है उनका, शरीर में भी चोट है, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। उनका पाल जी की वहीं पे डेथ हो गई ऑन द स्पॉट की लाने लाने? नहीं, उनको जब एम्बुलेंस में लाया जा रहा था तो रास्ते में ही हो गया, हमको लगता है अंदरूनी कुछ चोट होगा तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। अच्छा, तो वो अकेले यहाँ पे रहते थे, परिवार के साथ रहते थे? नहीं, परिवार तो इनका गांव में ही है, बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करते थे और ये ड्यूटी कर रहे थे बरही थाना के अंतर्गत। कितना उम्र हो गए? उम्र लगभग हमको लगता है 45 के आसपास में ही था। आपका क्या नाम? उपेंद्र मिश्रा, पुलिस मेंस एसोसिएशन हजारीबाग के मंत्री हैं। क्या हुआ था सर, क्या? हम लोग बरही थाना से हजारीबाग पुलिस लाइन आ रहे थे तो इचाक से 2-3 किलोमीटर पीछे हम लोग अपने बाईं में चल रहे थे, एक ट्रक जो ट्रेलर गाड़ी थी वो दाहिने साइड में चल रही थी और एकाएक अचानक गाड़ी बाईं घूम गई और बाईं घूम गई और हम लोग के चपेट में ले लिया। यही एम्बुलेंस कितना देर में आया? मतलब एम्बुलेंस हम लगता है कि 15 मिनट ले ही गया होगा कहीं करीब। उनको लाया गया तो वहाँ पे वो जान था? हाँ, वहाँ थे। लाते लाते उनकी, हाँ लाते लाते गाड़ी में लेके आए तब जा करके हॉस्पिटल पहुँचे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा श्याम बिहारी मेहता।